नमस्कार, शाम के 7 बज गए हैं। वक्त हो चुका है बड़ी खबर का। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। मेरा नाम है अंकित त्यागी। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज की सबसे बड़ी खबर, जिसको हम शुरुआत में ही ले रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आज जो त्रिपुरा में ऐलान किया है, जो तिथि की बात हमेशा होती थी, किस दिन 2024 में राम मंदिर खुद बन के तैयार होगा, अंदेशा सबको था, बात यही थी। लेकिन अब गृहमंत्री ने सीधा सीधा कह दिया है कि 1 जनवरी को राम मंदिर तैयार हो जाएगा, जनता के लिए खुल जाएगा। पर इसके बड़े राजनीतिक मायने भी हैं, वो उस पर बात करेंगे, समझेंगे उस बात को। और साथ ही साथ जो उत्तराखंड के जोशी मठ में मकानों में दरार आ रही है, उस खबर को भी समझने की कोशिश करेंगे। ऐसा हो क्यों रहा है? क्या ये किसी बड़े आगे गंभीर समस्या का अंदेशा तो नहीं है? और इसे रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? और फिर बात करेंगे, आपको अपडेट देंगे, जो आज कंझावला कांड में जो नया मोड़ आया है, नई सीसीटीवी फुटेज आई है, उसके बारे में भी लेटेस्ट अपडेट आपके लिए लेकर आएंगे। शुरू करते हैं गृहमंत्री अमित शाह के त्रिपुरा में ऐलान से। एक राजनीतिक रैली में खड़े होकर देश के गृहमंत्री अमित शाह ने आज ऐलान किया कि 1 जनवरी 2024 को राम मंदिर पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा, साथ ही साथ कांग्रेस पर निशाना साधते हुए, कि कांग्रेस ने मंदिर का निर्माण जो था उसमें काफी बाधा अटकाई, निर्माण होने से रोका था, और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के बाद ही यह रास्ता साफ हो पाया। त्रिपुरा में अमित शाह ने जन विश्वास यात्रा के तहत एक रैली में राम मंदिर निर्माण की तारीख का जो घोषणा थी उन्होंने वो करी। सबसे पहले सुनिए अमित शाह ने इस पर क्या कहा। सब रूम वालों, आप भी टिकट करा लो, 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। और सिर्फ राम मंदिर नहीं, एक आध साल दो साल जाने दीजिए, अपना मां त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर भी ऐसा भव्य बनेगा कि पूरी दुनिया यहां देखने को आएगी। काशी विश्वनाथ का मंदिर का कॉरिडोर बनाया, महाकाल कॉरिडोर बनाया, सोमनाथ और अंबाजी का मंदिर सोने का हो रहा है, मां विंध्यवासिनी का मंदिर नया बन रहा है। आज ही मुझे सीएम आसाम मिले थे, वहां पर भी मां का मंदिर सबसे बड़ा और भव्य बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। तो राम मंदिर निर्माण 2024 में पूरा हो जाएगा, शायद ये किसी को इस बात से नहीं कोई चौकेगा, लेकिन इस तरीके से राजनीतिक रैली में खड़े होकर जब गृहमंत्री ने बोला और एक बिल्कुल स्पष्ट तिथि दी है, उसके राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। क्योंकि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तीसरी बार जनता के सामने जाएंगे, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनाव होने वाले हैं। संकेत उपाध्याय हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं ये समझने के लिए कि संकेत, ये जो राम मंदिर की तिथि का ऐलान हुआ है, सबको पता था 2024 में राम मंदिर तैयार हो जाएगा, बन के तैयार हो जाएगा, इस बारे में बात पहले से चल रही थी, लेकिन एग्जैक्ट डेट का अनाउंसमेंट, वो भी एक पॉलिटिकल रैली में अनाउंसमेंट, इसके राजनीतिक मायने आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, देखिए अंकित, ऐसा है कि ये हम सबको पता था 2024 में होगा, आप सही कह रहे हैं, डेट का उतना आइडिया नहीं था। तो भारतीय जनता पार्टी के ऐसा लगता है एक नई रणनीति के तहत अमित शाह या और जो नेता हैं, अब वो ये डेट जनता तक पहुंचा रहे हैं। तो इससे पहले अमित शाह ने ही कर्नाटक में भी इसका जिक्र किया था, और अब यहां पर नॉर्थ ईस्ट में उसका जिक्र करना, जिक्र इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। बिल्कुल, और उसका राजनीतिक इम्पैक्ट जितना नॉर्थ ईस्ट के चुनाव पे पड़ेगा उतना ही 2024 पे भी पड़ेगा। तो सिर्फ 2024 के दृष्टिकोण से ना देखिए, ये जो अलग अलग जगहों पर राज्य के चुनाव होंगे, कर्नाटक में है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है, और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट के होंगे, तो इन सब चुनावों में राम मंदिर का उल्लेख एक बार फिर से किया जा रहा है। राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी के दिल के करीब का मुद्दा है, इसी मुद्दे के चलते वो सत्ता में आए, 200 से 300 पार का सफर उन्होंने तय किया, और अब क्योंकि उन्होंने अपने लिए एक मिशन 350 रखा है, लक्ष्य रखा है, उसमें अलग अलग रणनीति के तहत 140 ऐसी सीटों को चिन्हित करना जहां वो हारे थे पिछली बार, और 21 ऐसी सीटों को चिन्हित करना जहां पर वो बहुत ही जरा से मार्जिन से जीते थे, उन वहां पर जाकर के छोटी छोटी माइक्रो स्ट्रेटजीज बनाना और एक बड़े लेवल पर मंदिर का उल्लेख करना,
ये दोनों बहुत ही अहम हो जाते क्या कहीं ना कहीं इसका उल्लेख जैसे आप कह रहे हैं 24 में है और अब चुनाव जो आने वाले हैं उसके लिए भी जरूरी हो जाएगा। तो अभी से बात कहेंगे तो सिर्फ 24 में असर नहीं होगा, अन्य चुनावों में भी असर होगा जो राज्यों के होंगे, लेकिन क्या कहीं ना कहीं जो बीजेपी के नेता, जैसे कर्नाटका में हम सुन रहे हैं लव जिहाद की बात करते हैं, कहते हैं कि वो ज्यादा जरूरी है, सड़कों वड़कों की बात नहीं है, उसके साथ साथ अगर आप राम मंदिर भी जोड़ देते हैं तो एजेंडा बिल्कुल तैयार दिख रहा है कि मेजर जो कैंपेन रहेगा वो एक थोड़ा रिलीजियस कैंपेन की तरफ, जो भारतीय जनता पार्टी के अचीवमेंट है या जो उनके मुद्दे हैं उसकी तरफ रहने वाला है। मेरा ये मानना है भारतीय जनता पार्टी की आप कोई भी इलेक्शन रैलीज देखें वो बहुत ही उसका विकेंद्रीकरण नहीं होता है, एटलीस्ट दिखता नहीं है कि विकेंद्रित रूप से वो राजनीतिक अभियान हो। उसमें एक या दो मुद्दे और एक या दो चेहरे होते हैं। केंद्र का चुनाव होगा मोदी चेहरा, कोई भी राज्य का भी चुनाव होगा तो मोदी एक प्रमुख रूप से चेहरा। इसके साथ साथ उसमें कुछ थोड़े जज्बाती मुद्दे भी जुड़े रहते हैं, लेकिन ये जो है आप ये समझिए ये गार्निशिंग के लिए, ऊपर से दिखने के लिए तो आपको ऐसे लगेगा जैसे अंदर कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन ये बात भी सच है कि चाहे वो ओबीसीज के लिए कोई रणनीति बनाना हो या फिर सीटों को चिन्हित करके वहां के लोकल इश्यूज को समझ के कैंडिडेट कौन सा मजबूत है कौन नहीं है, ये होमवर्क आप ये समझिए कि बीजेपी ने अभी 15 महीने बचे हुए हैं लेकिन वो होमवर्क अभी से शुरू हो गया है। इलेक्शन मशीनरी अभी से चालू हो गई है और इन तमाम रणनीतियों में से अब ऐसे लगता है एक रणनीति ये राम मंदिर भी रहेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा जो कोशिश करते आए हैं कि लोगों के साथ साथ यानी कि डिलीवरी राशन और उसके साथ साथ जो बाकी अपने इश्यूज हैं उन सब बातों पर जो बातें करते हैं और वो एक बड़ी व्यापक रूप पर अपनी स्ट्रैटेजी के तौर पर दिखाते हैं, और वैसे भी उनको हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर जाना जाता है, नब लोग पेश किया गया है, तो राम मंदिर उस छवि के लिए एक बहुत बड़ी राजनीतिक रूप से ये संदेश। आपको याद है उत्तर प्रदेश के जब चुनाव हो रहे थे तो एक गाना बहुत प्रसिद्ध हुआ था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इस गाने का अलग अलग भाषाओं में जहां जहां, जैसे गुजरात में जब ये चुनाव हुए आप तो कवर कर रहे थे, आप ही ने मुझे बताया था, अब मुझे याद आया कि वो गुजराती वर्जन ट्रांसलेट होके चल रहा था। इस गाने का मतलब ये है कि भले ही अदालत ने वो रास्ता साफ किया हो राम मंदिर का, लेकिन अगर आप चुनाव के दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो ये संदेश घर घर गांव गांव तक पहुंचाना जरूरी है कि इसका राजनीतिक रूप से वो सीढ़ी किसने तय की, बिल्कुल वो रणनीति किसने बनाई कि ये हो पाया। जो कोई नहीं कर सका वो नरेंद्र मोदी ने कर दिया, जो अटल बिहारी वाजपेयी ने भी पूरा ना कर पाए वो मैसेज जनता तक पहुंचाएंगे। तो 2024 के लिए, आने वाले चुनावों के लिए ये एक बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है, और इसीलिए ये जो आज का अनाउंसमेंट है ये इतना है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया संकेत हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों को हमें समझाने के लिए। चलिए अब बात करते हैं हमारी दूसरी बड़ी खबर का, और फोकस शिफ्ट करके सीधे आपको उत्तराखंड लिए चलते हैं, जहां पर हल्द्वानी में कई घरों में, खेतों में, सड़कों पर दरार आ रही है। लोग चिंतित हैं कि इस तरीके से क्यों हो रहा है, कि जो घटना मतलब छोटी मोटी घटना नहीं है, क्योंकि 571 से ज्यादा ऐसे घर हैं, खेत हैं, जहां पर बड़ी बड़ी, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, घरों की दीवारों पर इस तरीके से दरारें दिखाई पड़ रही हैं। और ये जो पूरी बात है उत्तराखंड के जोशीमठ में, अब ये एक बड़ा मुद्दा भी बनती जा रही है। 571 घरों में दरार है, कई सारे परिवार इससे प्रभावित हैं, जिसमें 29 परिवारों को प्रशासन ने दूसरी जगह शिफ्ट भी कर दिया, यानी कि हालात उनके घरों के इतने बुरे हो गए थे कि उनको दूसरी जगह शिफ्ट भी कर दिया गया। अब IIT रुड़की, वाडिया इंस्टीट्यूट और आपदा प्रबंधन की टीम जो है उत्तराखंड के जोशीमठ में पहुंचकर पूरा अध्ययन कर रही है, मुआयना कर रही है, ये समझने के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पर जनता ने आक्रोश में सड़कों पर खड़े होकर चक्का जाम भी कर दिया है। किस तरीके की परेशानियां इलाके के लोग महसूस कर रहे हैं, यहां पर भूस्खलन एक बड़ा आम समस्या है, हजारों लोग उससे प्रभावित होते हैं, उनके घर उजड़ते रहते हैं, लेकिन आसपास विकास के जो काम हो रहे हैं जिसमें निर्माण के दौरान सुरंग खोदी जा रही है, ऐसी जगहों पे बाईपास सड़क के बनने से जो सड़कें धस रही हैं उसको लेकर अब एक बड़ी चिंता लोगों की सामने आ रही है। तो क्यों जो जिस तरह के जो खतरा है, कुछ साइंटिस्ट जो हैं वो क्या बता रहे हैं, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं कि क्यों इस तरीके से ये परेशानियां सामने आ रही हैं। 70 के दशक में एक रिपोर्ट जमीन इसकी, ये ऐसा नहीं है कि आज की समस्या है, पहले भी इस तरह की दरारें देखी गई थी, पर पहले आबादी इतनी ज्यादा नहीं थी, कंस्ट्रक्शन इतना नहीं था कि इतने बड़े पैमाने पर इसको नोट किया जाए। तो 70 के दशक में एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें भूवैज्ञानिकों ने एक सर्वेक्षण करा था, सर्वे किया था,
और राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजी थी, तब यह उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। रिपोर्ट के मुताबिक पहाड़ की अस्थिरता शहर को असुरक्षित बना सकती है। अस्थिरता का कारण पहाड़ के निचले हिस्से में जो अलकनंदा से लगातार घर्षण होता है उसको बताया गया था। इसी पर जोशीमठ शहर जो है वो स्थित है, और अगर घर्षण होता रहा तो पहाड़ अस्थिर हो जाएगा और शहर में जो स्थिरता है, जो जमीन है, जिस तरह की जो बात हो रही है, वो खतरा बढ़ जाएगा। क्यों धस रही है जमीन, इसके ऊपर और भी जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं उन्होंने अपने कारण बताए। उनको लगता है कि विकास परियोजनाओं को लेकर लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। 2014 से लाता तपोवन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है, धौली गंगा नदी पर बने थर्मल पावर प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। कई जानकारों के मुताबिक भूमिगत टनल की वजह से जमीन जो है वो कई जगह धस रही है। कच्चे अस्थिर पहाड़ हैं, उसमें टनल बन रहे हैं, उसकी वजह से ये धस रहा है। अब टनल पहाड़ों के नीचे बनाई जाती है जिसके कारण जमीन जो है वो धसती चली जाती है। 2015 में भी इसी तरीके से कई मकानों में शिकायत आई थी कि यहां पर इस तरह की कोई घटना हो सकती है। जून 2022 में भी एक चेतावनी दी गई थी और विकास कार्यों को तुरंत रोकने के लिए कहा गया था। रिपोर्ट में हेलोंग और मारवाड़ी के बीच में 20 किलोमीटर का जो खंड है इसका जिक्र किया गया था। चौड़ा करने का काम तब चल रहा था, अत्याधुनिक तरीके से ढलान का काम जो पूरा हो जाए, और रेनी में बार और बुनियादी ढांचे को लेकर भी इस तरह की जो परियोजनाएं हैं उनको इसका जिम्मेदार माना जा रहा है। इस पर मुख्यमंत्री ने भी अपनी बात कही है, जो लोग हैं वहां के वो अपनी चिंताएं जता रहे हैं, क्या कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। लगातार जोशीमठ का जो सर्वेक्षण का कार्य है वो पिछले दिनों चला है, और जो भी सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई है उसके आधार पर हम आगे काम कर रहे हैं। अभी हमने इसके लिए एक समीक्षा बैठक भी कर ली है, आपदा प्रबंधन विभाग को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया है। जो भी जरूरी काम होगा जोशीमठ शहर को बचाने के लिए किया जाएगा, उसके ट्रीटमेंट के लिए किया जाएगा, लोगों के लिए किया जाएगा। आपदा प्रबंधन विभाग को, मुख्य सचिव को आज ही हमने कहा है कि तत्काल वहां का टीम जो है सर्वे का काम करे, सर्वेक्षण करे, दौरा करे, और जो भी जरूरत होती है वो करे, और तत्पश्चात मैं भी वहां जाऊंगा। ये मुख्यमंत्री की बात आपने सुनी, कह रहे हैं कि हम इस पर बात कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोग अपनी समस्या खुद बता रहे हैं। सुरभि वहां पर रहने वाली एक स्थानीय लोग हैं, सुरभि शाह, उनकी सुनते हैं कि किस तरह की परेशानियां वहां के लोग झेल रहे हैं। बीते कुछ समय से यहां पे भूस्खलन, भूधसाव की स्थिति बनी पड़ी है। लोग अपने, आम जनमानस अपने घर से बाहर रहने, 5 डिग्री सेल्सियस पे रहने पे मजबूर है। बाहर पे आग जला के हम लोग अपना गुजारा कर रहे हैं। हमारी रहने खाने पीने की कोई भी व्यवस्था नहीं हो रही है यहाँ पे। शासन प्रशासन को कई बार प्रस्ताव, ज्ञापन, बहुत कुछ दिया गया, पर कोई भी हरकत में नहीं आ रही है, जिस कारण हमें आंदोलन का सहारा लेना पड़ रहा है। और जुलूस भी हम लोगों के द्वारा किए गए, और आज तो चक्का जाम भी किया गया, तब जाके प्रशासन थोड़ी हरकत में आई है। लेकिन देखिए, बात ऐसी है कि इसका जिम्मेदार कौन है? इसका पूर्ण रूप से जिम्मेदार एनटीपीसी है। एनटीपीसी जो कंपनी अपनी सुरंग खोद रही है जोशीमठ के अंदर से, अपनी जो उनकी टीवीएम मशीन फंसी हुई है उसे निकालने के लिए वो लोग जमीन पे अंदर खोद रहे हैं, ब्लास्टिंग्स कर रहे हैं, बाईपास बन रहा है, वहाँ पे भी इलीगल ब्लास्टिंग एवं साइलेंट ब्लास्टिंग्स हो रही है, जिस कारण वाइब्रेशन हो रहा है जोशीमठ में और वो हिल रहा है। ऐसा कैसा विकास है ये? हम लोगों की बर्बादी के कॉस्ट पे ऐसा विकास तो हमें कभी भी नहीं चाहिए था। तो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि उनकी बर्बादी पर जो विकास हो रहा है, क्या सरकार को उन्होंने इसीलिए चुना था? ये बड़ा मुद्दा है, लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसको उठाते रहेंगे, कोशिश करेंगे इसका जल्द से जल्द हल भी निकले। और ये इस बात को फिर से दोहराता है कि कैसे जो डेवलपमेंट है उसे सस्टेनेबल बनाने की आवश्यकता है। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हमारा फोकस बना रहेगा इस बात पर कि दिल्ली के अंदर जो घटना हुई जिसमें 20 वर्षीय युवती अंजलि की मौत हुई 13 किलोमीटर घसीटने के बाद इस गाड़ी में फंसने से, उसमें क्या नए डेवलपमेंट आए हैं। दो और, 5 तो गाड़ी में थे वो तो है ही, 2 और आरोपियों के अब नाम आ रहे हैं, एक नई सीसीटीवी फुटेज भी आई है, उस पर भी बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, वापस आ रहे हैं, बने रहिए बड़ी खबर। स्वागत है आपका एक बार फिर से, और चलिए अब बात करते हैं दिल्ली में कंझावला जो कांड हुआ है उसके बाद नया जो अपडेट आया है उसके ऊपर आपको ले चलते हैं सीधे
अभी दो अहम चीजें इसमें निकलकर सामने आई हैं। एक तो ये सीसीटीवी फुटेज जो आप देख रहे हैं, ये सीसीटीवी फुटेज एक नया सामने आया है जिससे दो चीजें सामने आई हैं। एक तो ये पता चल रहा है कि ये सारे जो आरोपी हैं, ये देखिए ये पांचों आरोपी बाहर निकल रहे हैं और इसमें से ये आरोपी नीचे झुक कर पहले चेक कर रहा है। ये झुक कर, ये फुल फ्रेम जरा थोड़ा ये सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं। ये आरोपी गाड़ी से निकलता है और निकलने के बाद चेक करता है कि वहां से जो बॉडी है वो पूरी तरीके से हट गई है या नहीं हट गई है, क्या बॉडी अभी भी है। तो ये पहले चेक करते हैं, इसका मतलब इस बात से साफ हो जाता है कि इनको पूरा अंदेशा था कि ना सिर्फ इन्होंने टक्कर मारी है बल्कि किसी को इतना लंबा खींचा भी है। और उसके बाद ये फिर बाहर निकल के एक ऑटो में बैठते हैं और ये लोग निकल जाते हैं। तो पुलिस अब ये कह रही है कि इस सीसीटीवी फुटेज से सामने आया है कि दो और आरोपी थे और वो ऑटो में भागते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पुलिस के मुताबिक वारदात के बाद इन लोगों ने गाड़ी रोहिणी में अपने दोस्त के घर पर लगाई और वहां से फिर फरार हो गए। ये गाड़ी उसी दोस्त की बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक कंझावला में बॉडी गाड़ी से हटने के बाद सभी आरोपी रोहिणी में पहुंचे और पहुंचने पर उन्होंने गाड़ी के मालिक आशुतोष के घर पर गाड़ी को खड़ा किया। सीसीटीवी से साफ हो जाता है कि 4:33 पर यह बलेनो गाड़ी वहां आती है जिसकी ड्राइविंग सीट पर दीपक और उसके बगल की सीट पर मनोज मित्तल उतरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पीछे की सीट पर तीन और लोग बैठे हुए हैं। वहां पहले आशुतोष और कुछ लड़के खड़े हुए हैं जिन्हें फोन करके आरोपियों ने एक्सीडेंट के बारे में पूरी जानकारी दी और फिर उतर कर चेक किया कि बॉडी पूरी तरह से हट गई है, कुछ फंसा तो नहीं हुआ है। वहां से वो पहले एक ऑटो में बैठते हैं और वहां से वो फरार हो जाते हैं। दिल्ली पुलिस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी जानकारी दी कि इस वारदात में दो और आरोपी हैं और कुल मिलाकर अब 7 जो आरोपी हैं, यानी कि कुल 5 नहीं 7 आरोपी अब हो जाते हैं। इनमें से जो दो नए नाम हैं वो हैं आशुतोष और अंकुश खन्ना, इनकी तलाश पुलिस अभी कर रही है। साथ ही साथ जो 5 आरोपी हैं उनको 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। तो ये थी इसकी आज की नई जानकारी इस केस की। और हम फिर भी यही सवाल पूछ रहे हैं, जब इन्हें इतना ज्यादा पता था, देख रहे थे, समझ में आ रहा था कि वो लड़की गाड़ी के नीचे है और फिर भी नहीं रोका, तो क्या ये सीधे हत्या का इनके ऊपर मुकदमा नहीं लगना चाहिए। आज के लिए बड़ी खबर में इतना ही। कल छुट्टी है, अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार को, पर बने रहिए एनडीटीवी के साथ, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।